मैं पहुंचा हूं जेल रोड तिलक नगर के साइड, और यहां पर मैं आ गया हूं मिथिलेश अंडे वाले पर। तो 30 से 35 साल हो गए 30-35 साल हो गए हैं। तो मिथिलेश जी कौन है? फादर है मेरे। अलग अलग जो इन्होंने चीजें डाली है ना, सबका स्वाद आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंचा हूं जेल रोड तिलक नगर के साइड, और यहां पर मैं आ गया हूं मिथिलेश अंडे वाले पर, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा फेमस है। अंडे की वैरायटी यहां पर बहुत ही ज्यादा 40-50 तरीके के अंडे की वैरायटी यहां पर मिलती है, और स्पेशल कुल्चा ऑमलेट यहां पर एक मिलता है, जो कि क्वालिटी इनकी होती है ना, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी यूज करते हैं। आइए चलते हैं, इनसे बात करेंगे कितने साल उनको हो गए हैं, और टेस्ट करेंगे इनका स्पेशल ऑमलेट, और आप तक जायका पहुंचाएंगे। आइए। नमस्कार भैया जी। नमस्कार सर। कैसे हैं भैया? बढ़िया सर। भैया, जेल रोड की तरफ आए हुए थे आज, तो सोचा कि भाई मिथिलेश अंडे वाले को कैसे भूल सकते हैं, जो कि इतना फेमस है और बहुत ज़्यादा नाम है। तो टेस्ट करते हैं आपका ऑमलेट। तो भैया, कितना टाइम हो गया इसको? तो 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए हैं। बिल्कुल। तो मिथिलेश जी कौन है? फादर है मेरे। अच्छा, आपके फादर ने ही स्टार्ट किया था 30-35 साल पुराने। सर, ये यही ब्रांच से स्टार्ट किया था? हाँ, लमसम पहले हमारी पहले रेडी लगती थी। अच्छा, पहले रेडी लगती थी। हाँ, वहाँ से धीरे धीरे दुकान, मतलब उसके बाद ये स्टार्ट किया आपने? बिल्कुल। और सर, ब्रांच और भी है आपकी? लगभग दो ब्रांचेस है। दो ब्रांच है टोटल? दो है या दो और है? दो है। दो और है, तो वो कहाँ है सर? एक यहीं पे, इसी एरिया में दो है। अच्छा, इसी एरिया में दो ब्रांच है। हाँ। और जो आपके ऑमलेट की वैरायटीज होती है, वो कितनी तरीके की होती है आपके पास? सर, लमसम 40-50 तरह के ऑमलेट होते हैं। 40-50 तरीके के ऑमलेट होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला ऑमलेट कौन सा है? कम्बाइंड कुलचा है सर, बटर ऑमलेट है, चिकन चीज़ ऑमलेट है, शॉर्मा हमारा फेमस है, काठी रोल है। और इसका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 3:30 बजे सर, रात को 12 बजे तक। अच्छा, 3:30 बजे ओपन होता है ये? जी बिल्कुल। और रात को 12 बजे तक चलता रहता है? जी। और 7 डेज है या मंगलवार को? मंगलवार ऑफ होता है। मंगलवार को ऑफ रहता है। तो सर, आप कौन सा ऑमलेट हमें खिलाएंगे आज? सर, कम्बाइंड कुलचा टेस्ट करेंगे। हाँ, कम्बाइंड कुलचा ही करना पड़ेगा, क्योंकि सारे ऑमलेट तो लगा नहीं सकते आपके पास, इतने सारे हैं वैरायटी। कम्बाइंड कुलचा में क्या क्या रहता है? तो चिकन होता है, कबाब होता है, सलामी होता है, चीज़ होता है, कुलचे में बनता है वो। अच्छा, कुलचे में बनता है जी। सर, ब्रेड में तो खाते ही रहते हैं, आज कुलचे में खाते हैं? बिल्कुल सर। तो टेस्ट करते हो, अपने व्यूअर्स को बताओ क्वेश्चन कैसे पहुँचे लोग? सर, गूगल पे सर्च कीजिए मिथिलेश अंडे वाला अशोक नगर। अशोक नगर जी। अच्छा, तो सीधा यहीं आ जाएंगे? बिल्कुल, गेल रोड वाली ब्रांच पे ना।
दोस्तों इस वक्त हम पहुंचे हैं जेल रोड पर, तिलक नगर के नियर पड़ता है जेल रोड, और यहाँ पर फेमस अंडे वाला है उसके पास हम आ गए हैं, मिथिलेश ऑमलेट वाला। 30 से 35 साल पुराना आउटलेट है इनका, मिथिलेश काफ़ी ज़्यादा नाम है इनका, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर हमने जो एक इनकी स्पेशल आइटम लगवाई है, स्पेशल कम्बाइन ऑमलेट है, क्योंकि आइटम्स की वैरायटी जो यहाँ पर है ना, बहुत सारा एग की वैरायटीज़ है, क्योंकि सारी हम यहाँ पर नहीं लगा सकते और इतनी सारी वैरायटीज़ है, तो हमने एक स्पेशल कम्बाइन ऑमलेट लगाया है जिसके अंदर 3 से 4 चीज़ें ये डालते हैं। बता देता हूँ मैं क्या क्या, एक बार क्लोज लुक दिखाता हूँ, इसकी क्लोज लुक देखिए आप। ये स्पेशल कम्बाइन ऑमलेट है, इतना ज़्यादा टेस्टी है कि लोग ये काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, इसलिए हमने यही लगवाया है और टेस्ट करके बताएंगे आपको टेस्ट कैसा है। लुक देख लीजिए एक बार आप, और ये देखिए इसके अंदर ये चिकन सलामी है, ये देखिए आप, बढ़िया तरीके से भाई बना के सर्व करते हैं, मज़ा आ जाएगा खा के। और बटर की जो क्वालिटी है वो अमूल बटर यूज़ करते हैं, और क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं मेकिंग में कि क्वांटिटी इन्होंने किस तरीके से यूज़ की है। चटनी की बात करूँ तो ये है इनकी टमाटर की चटनी, ये है पुदीने की चटनी, और ये है रेड सॉस सदाबहार। तो दोस्तों अब इसको टेस्टिंग की बारी है, क्योंकि भाई मुझसे रहा नहीं जा रहा, बहुत ही ज़्यादा यमी बना रखा है। टेस्ट करते हैं और आपको जायका बताते हैं कि मिथिलेश अंडे वाला स्पेशल कम्बाइन ऑमलेट कैसा जायका है। तो लेते हैं ये एक, टेस्ट एक नंबर का जानदार टेस्ट है। जो जो आइटम इन्होंने डाली है अलग तरीके से, एक इनकी मतलब यार मुंह में जैसे ही डाला ना वैसे ही अलग अलग जो इन्होंने चीज़ें डाली है ना, सबका स्वाद आ रहा है, चाहे वो सीख कबाब हो या सलामी हो या बॉयल्ड चिकन हो, और साथ में स्लाइस डाली है चीज़ की, जिसका एक अलग ही फ्लेवर निकल के आ रहा है। रेड चटनी के साथ तो भाई मज़ा ही आ जाता है खा के, बाकी साथ में दो चटनी और दी है। एक बार मैं ले लेता हूँ हल्का सा ग्रीन चटनी के साथ, बहुत बढ़िया टेस्ट है। मिथिलेश अंडे वाला जेल रोड वाली ब्रांच में इस तरफ कभी आओ तो ज़रूर आना, खाओगे ना तो भाई याद करोगे कि अंडे की वैरायटी कितनी सारी बनाई जाती है। चैनल पर नए तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो करिए लाइक और शेयर, उन सभी को ज़रूर टैग करें जिनको अंडे की अलग अलग वैरायटी खाने पसंद है, तो यहाँ पर आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नई स्वाद के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।